नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पानी पीने के लिए तरस रहे ग्रामीण। मुखिया ने कहा ये सब बेबुनियाद बात है। शेरघाटी प्रखंड के श्रीरामपुर पंचायत वार्ड नंबर 6 नावागा गांव में ग्रामीणों का आरोप है कि नल जल का कनेक्शन पूरे वार्ड में नहीं किया गया। गिने चुने लोगों के घर में ही नल जल का काम किया गया, जिसमें ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भीषण गर्मी में हम लोग दूर से पानी लाकर पीते हैं और हम लोगों के लिए यहां नाली की भी समस्या है। इधर श्रीराम पंचायत के मुखिया संजय सिंह ने कहा कि कुछ दमंगों के द्वारा काम में रुकावट की गई है, जिसकी सूचना मैंने स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी किया है, जिसकी जाँच चल रही है, जिसका शीघ्र ही काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी पंचायत में विकास की गंगा बहाया है। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। 6 नंबर वार्ड में मुखिया जी नवादा में है जी। नल जल और नाली का ग्रामीणों का कहना है कि वहाँ पर न नाली ठीक है, न पानी मिल रहा है। नल जल तो वहाँ पर लगा है सर, नल जल वहाँ लगा है। 20-25 घर मांझी लोग को पानी मिल रहा है, बाकी घरों में समरसेबुल लगा था, वही लोग विरोध कर रहे थे कि नाली मेरे रास्ते से जब तक नहीं बनेगा हम पाइप नहीं जाने देंगे। तो हमने बहुत प्रयास किया, लोग को बैठक भी किया, ये कुछ नेता टाइप के लोग जो हैं से उस पर वहाँ काम नहीं होने देना चाहते हैं। फिर इस बार हमने रिक्वेस्ट किया है, अब तो नल जल PhD को दे दिया गया, लेकिन नाली हम लोग बनाएंगे। कोल्ली का भी बहुत कठिनाई है, वहाँ पर कई महादलित लोग ने कहा कि कोल्ली हमारे घर में नहीं आज तक मिला। हमने कई बार वार्ड सदस्य को कहा, मुखिया जी को कहा, क्या कहिएगा बताइए। कोल्ली मुखिया जी का सिर्फ ग्राम सभा में पास करने का होता है, तो ग्राम सभा में हमने लिया था। एक ऐप आया था, जियो टैग ऐप में जिस मकान का लोड हो गया उसी को आवास योजना आया था। तो हमारे यहाँ मात्र 3 वार्ड में जियो टैग हो पाया था। इसमें इतने में ही बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा वो ऐप को बंद कर दिया गया। मेरे यहाँ तो 3 वार्ड है कम से कम, हमने वाक्य बारे पता किया है, 3-3 पंचायतों में नहीं जियो टैग हो पाया है। इसी कारण बस हम गरीब को लाभ नहीं दे पाए हैं। समस्या यही है यहाँ की, नाली जो ही बना रहा था तो नाली साइड से बना रहा था, उसी द्वारा नल जल का पाइप क्रॉस करने के लिए बोल रहा था। तो गाँव के सभी नागरिकता बोले यही कि नाली ले जाइए बीच में और साइड से ले जाइए पाइप, तभी काम होगा। और जो भी नल जल लगाया है सो भुंटोली 10 घर है, उसी घर में सिर्फ नल जल का मतलब पानी जा रहा है, पूरा गांव मतलब नहीं जा रहा है, पानी लाभ उठा रहा है। कितना का ये आबादी है? आबादी तो यहाँ करीब करीब 1500-1600 आबादी है। दिक्कत हो रहा है इसमें? दिक्कत तो इतना है कि मत कहिए, आदमी जो भी है गरीब हो चाहे वो मतलब कुछ अच्छा घर से बिलोंग करता है, उसके अपेक्षा जिसका व्यवस्था है तो अपना कहीं किया है, जिसका व्यवस्था नहीं सो देख रहे हैं नहीं तो हमें पानी भर रहे हैं। एक चापाकल से कितना आदमी पानी भरता है भाई? करीब करीब यहाँ पे टोटल मतलब आधा गांव मतलब समझ लीजिए कि 800-900 आदमी से पानी का इस्तेमाल करते हैं एक चापाकल से। जी। क्या नाम हुआ आप? मेरा तो नाम हुआ सुडू कुमार है, और ये फरवरी में भी दिए हैं कॉलोनी के लिए। क्या बोले मुखिया जी? बोल रहा है कि मिलेगा, अभी तक भी नहीं मिला है, एक भी किसी के कोली नहीं, अगर रहने के बहुत नहीं लोग को दिक्कत। कितना आदमी को नहीं मिला है कोली यहाँ पर? ये तो सभी को तो अभी नहीं मिला है ना कोली, और देखिए खैर कैसा इधर उधर देख लीजिए। परेशानी हो रहा बताइए इस गांव में? मुख्य रूप से जो परेशानी है और नल जल लेकर परेशानी तो है ही, और खास करके जो मुख्य मुद्दा है जो नाली का, जो कई बार एप्लीकेशन भी हम खुद भी दे चुके हैं एप्लीकेशन के लिए, लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया है। इसके जब भी होता था तही बताए, और खास करके यहाँ जो मुख्य मुद्दा है रोड का, गली का, नाली का, इसके बाद हर गली को हम एप्लीकेशन भी दिए हैं, खुद एप्लीकेशन खुद अपने से दिए हैं, उसको बनाने के लिए बताएं कि ठीक है इस पर होगा, लेकिन अभी तक सोलिंग भी कार्य नहीं हो पाया है और न ढलाई का काम हो पाया है, और जो नाली का नहीं तो अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। खास करके जो मुख्य मुद्दा है नल जल लेके जो समस्या है गर्मी का मौसम है, और खास करके मैं सुझाव ये देना चाहता हूँ कि आज जो जल स्तर जो नीचे गिर रहा है उसका मुख्य स्तर है
बालू माफिया, जब तक इस बालू को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होगा, बालू के निकासी पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक लाख कोशिश कर ले बालू का जल स्तर नीचे गिरता जाएगा। इतना विकराल समस्या बोले, समस्या यहाँ का समस्या बोले बोले आप वार्ड सदस्य हैं, इतना वार्ड में दिक्कत क्या है पानी का? पानी का तो दिक्कत है, तो नाली है ये नहीं, पानी कहाँ पर गिरेगा, इसीलिए मुखिया जी को आपने कहा? हाँ, उनको तो कहा। क्या कहें मुखिया जी? बोला कि बन जाएगा। कब बने? बन जाएगा। कब बने ना बोले? 5 साल चेंज हो गया, उसके बाद देख रहे हैं। गर्मी खत्म हो जाएगा तो नहीं, नाली खातिर तो बहुत मतलब दिए हैं लिख के, तो बोला अबरी हो जाएगा, अबरी हो जाएगा, ऐसे करके बोल रहा हूँ। क्या नाम है मुखिया जी का? संजय कुमार, संजय सिंह है नाम। संजय से मुखिया, आपका क्या नाम है? मेरा सविता कुमार। वार्ड पार्षद है? हाँ। कितना नंबर वार्ड? वार्ड 6 नंबर। वार्ड सदस्य 6 नंबर। 6 नंबर।